डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, ये होम साइंस का पेपर है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर है। ये मेरे पास सीरीज ए बुकलेट है। ठीक है, आप लोग अपने देख लीजिए, जो भी हो उसमें क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये पार्ट सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन कम्प्लीट कराए थे और आज मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कराऊंगी। तो शुरू करते हैं, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के निर्धारक हैं आकार का परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नई विशेषताओं का आगम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मानव विकास का अध्ययन है गर्भाधान से बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भाधान से वृद्धावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था। राइट आंसर क्या हुआ, गर्भाधान से वृद्धावस्था तक। मानव विकास के अंतर्गत गर्भाधान से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक नवजात शिशु का भार जन्म के समय होता है कितना होता है, देखिए 2 kg, 3.5 kg, 5.5 kg, 7 kg। राइट आंसर है 3.5 kg नवजात शिशु का वजन होता है। वंशानुक्रम संबंधी तत्व हैं क्या हैं, देखिए सामाजिक गतिविधियां, अभिवृत्ति, बालों का रंग, विचारधारा। राइट आंसर है बालों का रंग। बालों का रंग है जैसे फेस है, चेहरे का आकार है, आंखें हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वंशानुक्रम संबंधी तत्व होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें बालों का रंग वंशानुक्रम संबंधी तत्व के अंतर्गत आएगा। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संबंधित है बालक की शिक्षा से, बालक के सर्वांगीण विकास से, बालकों की रुचियों से, बालक की क्रियाओं से। राइट आंसर है बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है बाल विकास का अध्ययन। के बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वृद्धि है, वृद्धि क्या है, गुणात्मक, मात्रात्मक, विकास, परिपक्वता। राइट आंसर क्या है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, और विकास में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, वो गुणात्मक होते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक क्यों होते हैं, क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई है, भार है ना, तो ये क्या है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रारंभ होता है कब से होता है, जन्म के उपरांत, जन्म से पूर्व, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। राइट आंसर है जन्म से पूर्व। शैशवावस्था की अवधि है 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 सप्ताह, 0 से 3 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। राइट आंसर है 0 से 2 सप्ताह, यानी कि 15 दिन की अवधि को हम शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 15 दिन तक की अवधि होती है, तो 2 सप्ताह तक की अवधि क्या हुआ, 15 दिन की हुई, जिसे शैशवावस्था की अवधि क्या होगी, 0 से 2 सप्ताह तक की अवधि को हम शैशवावस्था कहते हैं। सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं क्या है, विकासात्मक कार, नगणनात्मक कार, सामान्य कार, वृद्धि संबंधी कार। राइट आंसर है विकासात्मक कार। प्रसव पूर्ण विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं माँ का आहार, माँ का संवेग, मादक द्रव्य, तंबाकू, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है, साथी समूह, विद्यालय, जनसंपर्क, परिवार। राइट आंसर है परिवार। इनमें से कौन सा स्थूल क्रियात्मक कौशल नहीं है, कूदना, दौड़ना, चलना, लिखना। राइट आंसर है लिखना। ठीक है, स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना, फेंकना आदि गतिविधियां आती हैं। जन्म के बाद प्रारंभिक 4-5 वर्षों में स्थूल गतिविधियों का विकास तीव्रता से होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें जितने भी पैर से जो क्रियाएं करी जाती हैं वो स्थूल क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कूदना है,
दौड़ना है, चलना है ना, तो जिसमें पैर के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा लिखना। लिखना क्या है, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, जिसमें हाथ का प्रयोग किया जाता है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। एक 16 माह का बालक पेंसिल से क्या कर सकता है, घसीट कर लिखना, वर्णमाला लिखना, चित्र बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है घसीट कर लिख सकता है। किस आयु में शिशु शब्दों को उनके अर्थ से जोड़ सकता है, 2 माह का, 3 माह का, 5 माह का, 12 माह का। राइट आंसर है 12 माह का। कौन सा बाल व्यवहार एक सकारात्मक सामाजिक व्यवहार नहीं है, देखिए चिढ़ाना, सहायता करना, मित्रता, सहानुभूति। राइट आंसर है चिढ़ाना सकारात्मक सामाजिक व्यवहार नहीं है, बाकी सहायता करना, मित्रता, सहानुभूति क्या है, ये सकारात्मक सामाजिक व्यवहार है। मानव शिशु में किस आयु में स्वैच्छिक हाथ फैलाने पकड़ने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जी 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 5 से 6 माह, 8 से 10 माह। राइट आंसर है 8 से 10 माह। नए क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। अब देखिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का भी क्वेश्चन आ गया, चलना ये देखिए पैरों से है तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक नहीं है, चम्मच से खाना, कैंची से काटना, पन्ने पलटना ये क्या है, हाथ के द्वारा करता है, जिसमें मांसपेशियों का, हाथ की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। देखिए इसमें चलना राइट आंसर होगा, ये क्या है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 120, 230, 270, 350। राइट आंसर है 270। बालकों के संवेग की विशेषताएं हैं क्या होती हैं, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं क्या है, ईर्ष्या, आक्रामकता, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं माता में और पिता में पाए जाते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। प्रसूति कक्ष होना चाहिए साफ, सुसज्जित, विसंक्रमित, अप्रकाशित। राइट आंसर है विसंक्रमित होना चाहिए, अच्छे से मतलब निसंक्रमित होना चाहिए, उसमें कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, डिसइन्फेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, प्रसूति कक्ष विसंक्रमित होना चाहिए। बच्चों में चिंता की अभिव्यक्ति क्या है, जिज्ञासा, ईर्ष्या, शर्मीलापन, असुरक्षा। राइट आंसर है असुरक्षा। आनुवंशिकता का अणु है क्या है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स। राइट आंसर है डीएनए। आनुवंशिकता का अणु पूछा है इसलिए आनुवंशिकता के अणु के अंतर्गत डीएनए आएगा, अगर आनुवंशिकता का वाहक पूछता तो फिर जीन्स आता। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है तो ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं किसके द्वारा, दमन से, प्रतिगमन से, सकारात्मक सोच से, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नॉर्मल प्रसव कहलाता है सिजेरियन प्रसव, फोर्सेप्स प्रसव, स्वाभाविक प्रसव, जटिल प्रसव। राइट आंसर है स्वाभाविक प्रसव, नॉर्मल प्रसव कहलाता है। शिशु के जन्म के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है क्या होता है, शिशु को नहलाना, नाल बांधना, दूध पिलाना, सर्दी से बचाना। राइट आंसर है नाल बांधना, सबसे पहले क्या करना होता है, बच्चे की नाल बांधी जाती है। बच्चे के अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 20, 28, 30, 32। राइट आंसर है 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। प्री एक्लेम्सिया का लक्षण क्या नहीं है, देखिए बार बार बमन,
निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक वृद्धि राइट आंसर है निम्न रक्तचाप नहीं होता है इसमें। इसका लक्षण क्या होता है? बार बार पमन होता है, उच्च रक्तचाप होता है, अत्यधिक भार वृद्धि हो जाती है। डिम्बावस्था को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जायगोटिक अवस्था, भ्रूणावस्था, गर्भ शिशु की अवस्था। उपरोक्त में इसको ही राइट आंसर है जायगोटिक अवस्था को डिम्बावस्था भी कहते हैं। क्या बालक में भाषा दोष नहीं है? धीरे धीरे बोलना, तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण। राइट आंसर है धीरे धीरे बोलना भाषा दोष नहीं कहलाता है। तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण क्या है, ये भाषा दोष है। जायगोट में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कौन से, कितने पाए जाते हैं? 23, 28, 39, 46। राइट आंसर है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाता तो फिर 23 जोड़ा होता, ठीक है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन सी हैं? सामान्यकरण, कल्पना, स्मरण। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। शिशु का पूरक आहार प्रारंभ करना चाहिए, कब से करना चाहिए? 4 माह से पूर्व, 6 माह के बाद, 8 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद। राइट आंसर है 6 माह के बाद शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु की निद्रा लक्षण है थकावट का, पेट में दर्द का, अच्छे स्वास्थ्य का, रोग का। राइट आंसर है अच्छे स्वास्थ्य का। प्रसव की तैयारी के लिए आवश्यक है डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्स का प्रबंध, धन का प्रबंध, स्थान का चुनाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। भाषा है विचार, अभिव्यक्ति का माध्यम, ध्वनियों का विशाल भंडार, शब्द वाक। राइट आंसर है अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा क्या होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। वंशानुक्रम के नियम दिए किसने? डार्विन ने, जॉनसन ने, मेंडल ने, हरलॉक ने। राइट आंसर है मेंडल ने। अंडाणु का उत्पादन होता है कहाँ होता है? देखिए, अंडाशय में, अंडवाहिनी नलिकाओं में, गर्भाशय में, योनि में। राइट आंसर है अंडाशय में। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है किससे है? देखिए, निरंतरता के सिद्धांत से, परस्पर क्रिया के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। राइट आंसर है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। एक अत्यधिक तनावपूर्ण बालक निम्न व्यवहार दर्शाता है, क्या है? देखिए, अत्यधिक बोलना, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई पर पूर्ण केंद्रित होना, अधिक सक्रियता। राइट आंसर क्या है? आक्रामक व्यवहार। बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक क्या है? परिवार का स्नेह, प्रतिरक्षीकरण, व्यायाम, भोजन। राइट आंसर क्या है? परिवार का स्नेह बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सभी भावनाओं को आकार देते हैं, क्या है? परिवार का वातावरण, बालक का स्वास्थ्य, भाषा, बालक की बुद्धि। राइट आंसर है भाषा। किस आयु का बालक बिना सहारे खड़ा होने में सक्षम हो जाता है? बिना सहारे खड़ा होना, देखिए, 5 से 6 माह, 6 से 7 माह, 9 से 12 माह। 9 से 12 माह का बालक थोड़ा पकड़ के खड़ा हो जाता है सहारा लेके, ठीक है। 15 से 16 माह यानी 14 माह का बालक बिना सहारे खड़ा हो सकता है। लिस्ट में ऑप्शन 14 माह तो दिया नहीं है, 15-16 माह दिया। राइट आंसर हो जाएगा 15 से 16 माह का बालक बिना सहारे खड़ा हो सकता है। जीन प्याजे ने पूर्व बाल्यावस्था को कहा है, क्या कहा है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सामाजिक समायोजन अवस्था, सीखने की अवस्था। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन प्याजे ने पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। गर्भित अंडाणु का आरोपण होता है कहाँ होता है? गर्भाशय की भीतरी दीवार में, गर्भाशय की बाहरी दीवार में, भीतरी दीवार में, डिम्ब ग्रंथि के भीतर, डिम्ब वाहिनी नलिका में। राइट आंसर है डिम्ब वाहिनी नलिका में। इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। बालक का वातावरण के प्रभाव में समाहित है, क्या है? जन्म के पूर्व व
वातावरण, जन्म के बाद का वातावरण, भौतिक वातावरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन। पूर्व बाल्यावस्था को यह भी कहा जाता है, पूर्व विद्यालय अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खतरनाक आयु, समूह आयु। राइट आंसर है पूर्व विद्यालय अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, मैंने जो पहले वीडियो डाले थे सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग के कंप्लीट कराए हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।